ओके स्टूडेंट्स एक्साइज सिक्स पॉइंट टू पेज नंबर वन थर्टी फाइव एंड सम क्वेश्चन आर ऑन पेज नंबर वन थर्टी सिक्स क्वेश्चन नंबर सेवन मैंने लिख दिया है द फॉलो डाटा शोज नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन वेरियस फैमिलीज फाइंड मॉर्ड एंड मीडियम दो चीज़ें फाइंड करनी है डाटा गिवन है ऑलरेडी मार्ड भी फाइंड करना है और मीडियन भी फाइंड करना है पहला काम तो आप ये करेंगे कि जो डेटा गिवन है ना उसको आप ना एक ऑर्डर में लिख लें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लें असेंडिंग ऑर्डर में बेटर रहेगा तो पहले मैंने टू लिखा है फिर थ्री थ्री जितनी दफ़ा है फिर फोर फिर फाइव एंड सन तो ये मैंने ना एक सीक्वेंस क्रिएट कर दिया है आपने भी यही काम करना होगा कि ये डेटा आपको रेंडमली गिवन है आपने इसको एक ऑर्डर में कन्वर्ट कर लेना है फिर मार्ड का फार्मूला लिख दिया है मोस्ट रिपीटेड ऑब्जर्वेशन को कहते हैं मार्ड तो मैंने गिने हैं तो फोर जो है वो सिक्स टाइम आ रहा था वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो मैंने लिख दिया फोर अगर सिक्स टाइम्स और इसी तरह नाइन भी जो है वो भी सिक्स टाइम्स आ रहे हैं तो जो वैल्यू जितनी ज़्यादा दफ़ा रिपीट होगी इस जो क्वेश्चन में होगी जो आपका गिवन है आपके पास ऑलरेडी गिवन डाटा है वही हमारा मार्ड होगा तो फोर और नाइन जो है वो ज़्यादा टाइम्स रिपीट हो रहे हैं सेवन भी है लेकिन वो फाइव टाइम्स रिपीट हो रहा है एट भी फाइव टाइम्स हो रहे हैं तो ज़्यादा टाइम्स जो है वो फोर और नाइन रिपीट हो रही है तो मार्ड इज अवर अवर मार्ड इज फोर एंड नाइन तो ये इसका मार्ड आ गया अब हम मीडियन की तरफ चलती हैं मीडियन के दो फार्मूलाज होते हैं इवन ऑब्जरवेश हों तो फार्मूला चेंज होता है आड ऑब्ज़रवेश हों तो फार्मूला और होता है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन इन क्वेश्चन नंबर सेवन ये टोटल ऑब्जर्वेशन यानी कि ये जो वैल्यूज़ हैं इन्हें ऑब्जरवेश कहते हैं ये हमारी इवन है इवन इसलिए हैं कि अगर आप इन्हें गिने इन्हें काउंट करें तो ये आपके पास इवन नंबर में जो है वो वैल्यूज़ आएंगी इनकी जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है मैंने इन्हें काउंट किया तो ये थर्टी एट ऑब्जर्वेश निकली हैं थर्टी एट नंबर निकले हैं तो इवन नंबर का ये फार्मूला है मीडियन का अनग्रूप uh, डेटा में इसे हम अन डेटा कहते हैं जो टेबुलर फॉर्म में या फिर एक क्लास इंटरवल की फॉर्म में ना हो उसे हम कहते हैं अनग्रुप डेटा तो ये मैंने फार्मूला लिख दी है एंड जो है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को रिप्रजेंट करे तो अब इसमें मैं वैल्यू लगा आपको के आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ ये स्टूडेंट्स मैंने इसके स्टार्ट की है कैलकुलेशन एंड की जगह थर्टी एट आ गया टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेश थर्टी एट प्लस टू फोटी हो गया थर्टी एट को टू पे डिवाइड करेंगे तो नाइनटीथ आ जाएगा और थर्टी एट प्लस टू फोर्टी को टू से डिवाइड करेंगे तो फोर्टी ट्वेंटी आ जाएगा नाइनटीन को आपने नाइनटीथ ऑब्जर्वेशन करना है और ट्वेंटी को आपने ट्वेंट ऑब्जर्वेशन करना है नाइनटीन का मतलब है कि इसकी नाइनटीन्थ वैल्यू आप चेक करेंगे यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व तो देखेंगे नाइनटीन नंबर पर क्या है वो आपने लिखना है प्लस फिर ट्वेंटी तो उससे अगला जो नंबर होगा वो आपने यहाँ पर लिखना है तो वो मैं इसमें से काउंट कर लूँ पहले कि नाइनटीन वैल्यू वैल्यू क्या बन रही है और ट्वेंटी कौन सी आ रही है उनको ऐड करके फिर टू पे डिवाइड करके मैं देखता हूँ कि मेरा मीडियन क्या आता है ये स्टूडेंट्स मेरे पास जो है वो वैल्यू आ रही थी सेवन नाइनटीन ऑब्जर्वेशन में और ट्वेंटी भी सेवन थी यहाँ पर तो उन दोनों को मैंने ऐड किया तो फोटीन हो गया फोटी को टू पे डिवाइड किया तो क्वेश्चन नंबर सेवन का जो है वो आंसर आ गया सेवन तो मीडियन हमारा सेवन है और मार्ट जो है वो इस क्वेश्चन का फोर और नाइन आ चुके हैं ओके स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर टेन बुक पे आपको नज़र आ रहा होगा पेज नंबर वन थर्टी सिक्स पे मैंने मेंशन कर दिया है तो उसका जो डाटा है वो मैंने टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया वो क्वेश्चन ये है कि स्टूडेंट ओपटेन फॉलोइंग मार्क्स इन अ सर्टेन एग्जामिनेशन इंग्लिश में उसने सेवेंटी थ्री मार्क्स लिए तो मैंने उसको टेबल में सेवेंटी थ्री लिख दिया फिर उर्दू में उसने एटी टू मार्क्स लिए फिर मैथमेटिक्स में एटी मार्क्स लिए हैं फिर हिस्ट्री में सिक्सटी सेवन और फिर साइंस uh, में सिक्सटी टू फिर फर्स्ट पार्ट में वो कह रहे हैं कि उसके जो वेट हैं वो फोर थ्री थ्री टू जो हैं वो गिवन है तो मैंने सिगमा डब्ल्यू भी कर लिया और आगे एक्स डब्ल्यू फिर वो कहता है कि हमने ना फाइंड करना है अप्रोप्रिएट एवरेज मार्क्स तो एवरेज वेटेड मार्क्स जो आप फाइंड करेंगे वेटेड एवरेज के लिए फार्मूला होता है सिगमा एक्स डब्ल्यू डिवाइडेड बाई सिगमा डब्ल्यू ये उस वक्त होगा जब वेटेड वर्ड आ जाएगा वेटेड आप फाइंड करते हैं तो उसके लिए फिर एक्स डब्ल्यू मुझे करना पड़ा एक्स मार्क्स को कहते हैं वेट तो उसका ऑलरेडी गिवन है तो एक्स को डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करके अगला एक बना बनाने यानी कि सेवेंटी थ्री को पहले फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू नाइन्टी टू फिर एटी टू को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू फोर्टी सिक्स एटी को थ्री से करें तो टू फोटी और इसी तरह रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लें और जब आप इनका सिगमा डब्ल्यू एक्सडब्ल्ल्यू करेंगे तो वो इन सारी वैल्यूज़ को आपको ऐड करना है कैलकुलेटर से तो आंसर आ रहा है वन जीरो थ्री सिक्स तो बस अब मैं वैल्यूज़ लगा रहा इस फार्मूला में तो मेरा फिर वेटेड एवरेज आ जाएगी ये स्टूडेंट्स मैंने वैल्यू लगाई है वन जीरो थ्री सिक्स को फोर्टीन से डिवाइड की है तो वेटेड एवरेज मेरी आ चुकी है सेवेंटी फोर और आप इसके सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं वो ये है बुक में आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा वट इज़ द एवरेज मार्ग इफ इक्वल वेट्स आर कंसिडर्ड या फिर यूज अगर इनके जो मार्क्स वेट हैं इक्वल हो जाते तो फिर आपने क्या कैसे इसको सॉल्व करना था तो उसके लिए इक्वल के लिए ऑफ कोर्स आपको सिग्मा डब्ल्यू करने की जरूरत नहीं है उसकी जगह एन आ जाएगा नंबर टोटल आपने नंबर देखने के कितने हैं क्योंकि वो तो इक्वल हो चुके हैं ना वेट तो फिर आपको डब्ल्यू की जगह एन रिप्लेस करना होगा और फिर क्या सिचुएशन बनेगी और ऑफ़ कोर्स आपको मार्क्स को भी फिर ऐड करना होगा उसका सिग्मा डब्ल्यू एक्स आपको इस दफ़ा करना होगा तो वो फार्मूला लिख के और मैं वैल्यू पुट करके आपको दिखाता हूँ ये स्टूडेंट्स मैंने फार्मूला भी लिख दी है वैल्यूज भी लगा दी हैं फार्मूलाज का बनता है अगर इक्वल हो वेट ये होते हैं जब डिफरेंट वेट हो तो फार्मूला ये होगा अगर इक्वल वेट्स होंगे तो सिग्मा एक्स ओवर एन एक्स मार्क्स को कह रहे थे तो इनको ऐड किया तो वो सिग्मा एक्स जो है थ्री सिक्सटी फोर आ गया एन जो है टोटल नंबर ऑफ मार्क्स हैं वन टू थ्री फोर एंड फाइव तो फाइव से मैंने डिवाइड कर दिए तो मेरे पास आंसर आ गया है सेवेंटी टू पॉइंट एट जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व मैंने इसी के साथ लिख दिया है अकॉर्डिंग टू रिड्यूसलेबस कैलकुलेट सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ थ्री ईयर्यर्यर्यर्यर्यस फ्राम द फॉलोइंग डेटा ईयर्स गिवन है टू थाउजेंड वन से लेकर टू थाउजेंड टेन तक और वैल्यूज़ गिवन है मूविंग एवरेज फॉर थ्री ईयर्स हमने फाइंड करनी है तो हमने क्या करना होगा कि फर्स्ट जो है ब्लॉक uh, है मूविंग एवरेज उसको छोड़ के बाकी फिर हम इन तीन वैल्यूज़ को तीन ईयर की टू थाउजेंड वन टू और थ्री इन तीनों को ऐड करेंगे और एवरेज का मतलब होता है कि आपने उसको जितने नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ होती है ना उतने से आपने डिवाइड कर देने मतलब ये है कि आप थ्री से डिवाइड कर देंगे तो वो फिर आपके पास मूविंग एवरेज आ जाएगी तो वो मैं लिख के आपको दिखाता हूँ इस तरह आपको उस तरह क्लियर नहीं होगा एक्सप्लेनेशन से जब तक जब तक मैं इसको लिख के आपको नहीं बताऊँगा ये स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया है वन ज़ीरो टू प्लस वन जीरो एट प्लस वन थर्टी वन टू थ्री थ्री एयरस की हमने जो वैल्यूज है उनको ऐड करने और थ्री से डिवाइड करने जब मैंने इन तीनों को ऐड किया तो मुझे आंसर मिला है थ्री फोर्टी उसको थ्री से डिवाइड किया तो मेरे पास थ्री ईयर की मूविंग एवरेज आ चुकी है वन हंड्रेड थर्टीन पॉइंट थ्री थ्री अब नेक्स्ट में मुझे क्या करना होगा कि फर्स्ट वैल्यू को आप स्किप कर दें यानी कि वन जीरो टू को हटा दें वन जीरो एट से स्टार्ट करें पहली वैल्यू वन जीरो एट दूसरी वन थर्टी और थर्ड वैल्यू नीचे से आप एक ऊपर ले आएंगे यानी कि वन जीरो टू को पहली वैल्यू को निकाल देंगे और अगली वैल्यू नीचे से आप जो है वो ऊपर इसमें ऐड कर लेंगे तो वो मैं लिख के फिर आपको बताता हूँ कि क्या सिचुएशन बनेगी ये स्टूडेंट्स कुछ इस तरह की बात हो जाएगी वन ज़ीरो एट वन थर्टी एंड प्लस वन फोटी अगली वैल्यू वन फोर्टी आ जाएगी इन तीनों को ऐड किया तो मेरे पास आंसर आया थ्री सेवेंटी एट उसको मैंने थ्री से हर दफ़ा थ्री ईयर्स की है ना तो वह अपने थ्री ईयर्स के लिए थ्री से डिवाइड करेंगे तो 126 आ जाएगा अब नेक्स्ट नंबर में क्या करेंगे कि आपने अब 108 को स्किप कर देना है इंटरेस्टिंग बात है मूविंग uh, एवरेज में 108 को आप स्किप कर देंगे और 140 के बाद जो अगला नंबर है 158 वो ऐड हो जाएगा तो वो आप यहाँ पे ऐड करते हैं थ्री से डिवाइड करते हैं और लास्ट तक आप इसको लेकर चलें और साथ में देखें कितनी मूविंग एवरेज आती हैं तो अब मैं ना साइमल्टियसली ये सारा जो ब्लॉक है ये जो कॉलम है इसको फिल करके आपको दिखाता हूँ ये नहीं स्टूडेंट्स मैंने फिल कर दिया है इसमें आपने उसी तरह जैसे मैं बता रहा था एक वैल्यू पहली वाली स्किप करते जाएं और नीचे से वैल्यू ऊपर एक लेकर आते जाएं तो ये फोर सेवेंटी एट फाइव थर्टी फोर फाइव एटी सिक्स सिक्स ट्वेंटी सिक्स और सिक्स सिक्सटी आ रहे है सारों को थ्री से डिवाइड करें तो ये आपके पास आंसर्स आते जाएंगे ख़ुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करें इन वैल्यूज़ को पहली दो एक वैल्यूज़ को देखें और उसके मुताबिक बाकी जो है आपने मूविंग एवरेज़स ख़ुद से फाइंड कर लें नए जी स्टूडेंट्स हमारे रिड्यूस सिलेबस के काफ़ी हद तक कोश्चन्स हो चुके हैं तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गए होंगे अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हुआ कोई चीज़ सब आई तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा